हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है विपाल और आप देख रहे हैं एमपी ब्लॉग्स चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेयर व्हील के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं, पहले से गाड़ियां हैं, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि स्पेयर व्हील जो है ज़्यादातर गाड़ियों में दोस्तों जो हमारे मेन टायर्स होते हैं उनसे थोड़ा छोटा आता है। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में 15 इंच के टायर आते हैं या फिर 16 इंच के आते हैं व्हील्स आते हैं तो 1 इंच छोटा ही आता है स्पेयर व्हील जो होता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये इस बात की कर लेते हैं दोस्तों बातचीत की, ये स्पेयर व्हील छोटा क्यों देती है कंपनियाँ। दोस्तों इसके पीछे कई सारे कारण हैं और अलग अलग कारण लोग बताते हैं और अलग अलग कारण मानते भी हैं लोग, कि कॉस्ट कटिंग हो सकती है या फिर मैन्युफैक्चरर्स कुछ और बताते हैं। लोगों का मानना है कि शायद कॉस्ट कटिंग हो सकती है और कुछ लोगों का मानना है कि इससे शायद टायर रोटेशन ठीक से होता है ताकि हम स्पेयर व्हील ज़्यादा न चलाएं और स्पेयर व्हील पे स्पीड लिमिट भी लिखी हुई होती है। तो चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा दोस्तों सबसे पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों कॉस्ट कटिंग का। दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कि इसमें कॉस्ट कटिंग होती है, तो कॉस्ट कटिंग इतना कुछ खास मैटर नहीं करती क्योंकि दोस्तों मान लीजिए एक इंच कंपनी बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग नहीं हो जाएगी ना, कंपनी का कुछ बहुत ज्यादा बच जाएगा। लेकिन हाँ, कॉस्ट कटिंग इस मॉडल इस तरीके से हो सकती है जैसे मान लीजिए कंपनी टॉप वेरियंट में अलॉय व्हील्स दे रही है लेकिन साथ में जो स्पेयर व्हील दे रही है कंपनी वो दे रही है आपको स्टील रिम्स, तो उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है अच्छी खासी। तो लेकिन जो टॉप मॉडल है जैसे फोर्ड की इक्व स्पोर्ट्स वगैरह है तो इसमें अगर आप अलॉय व्हील्स आते हैं तो उसमें स्पेयर टायर वो भी अलॉय व्हील्स ही आता है और पूरे फुल साइज का ही आता है। जो चार साइज जो चार टायरों का साइज होता है वही स्पेयर व्हील्स का भी टायर साइज होता है। अब मैं यहाँ पर ऑल्टो के टेन की बात करूँ तो इसमें भी जो साइज है टायर का जो स्पेयर व्हील्स का वो नॉर्मल है, जैसे हमारे चार टायर हैं उसी हिसाब उसी 14 इंच के उसी 14 इंच का ही हमारा नॉर्मल जो स्पेयर व्हील्स है वो भी 14 इंच का ही दिया हुआ है स्टील रिम्स। इसमें कंपनी बस बचाती इतना है जैसे कि आपने टॉप मॉडल लिया कोई सा जिसमें कंपनी अलॉय व्हील्स वगैरह देती है तो वहां पे कंपनियां स्टील रिम्स दे के उसमें कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं थोड़ा सा। पहला रीजन तो ये रहा। अब दूसरा रीजन दोस्तों होता है ये कि जैसे हमारे जो चार टायर्स होते हैं वो हमारे लगातार रन कर रहे होते हैं गाड़ी में और हम जो स्पेयर व्हील से अपना तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारी गाड़ी कहीं पंचर होती है या फिर कुछ गाड़ी में टायर में हमारी दिक्कत होती है तभी हम स्पेयर व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे चार टायर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े घिस चुके होते हैं, थोड़ा बहुत घिस जाते हैं 10 या 15 हजार किलोमीटर चलने के बाद। तो उसी को बराबर करने के लिए क्या है कि वो थोड़े कुछ लोगों का मानना है कि थोड़े छोटे दिए होते हैं ताकि जो हमारे चार टायर है जो तीन टायर हमारे जो हमें स्पेयर व्हील लगाएंगे और जो तीन टायर हमारे थोड़े घिसे हुए होंगे उनसे इक्वल हो सके, उनके बराबरी का हो सके, इसलिए होता है। और दोस्तों लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इसीलिए दिया हुआ हो, क्योंकि अगर आप जब आप गाड़ी चलाएंगे और स्पेयर व्हील लगा हुआ होगा थोड़ा अगर छोटा है तो आपको फील होगा गाड़ी में बैठ के कि स्पेयर व्हील हमने थोड़ा छोटा यूज कर रखा है और शायद इसीलिए भी कंपनियां छोटा देती हैं ताकि आप स्पेयर व्हील्स को उतना ही चलाएं जैसे कि आप जो टायर आपका पंचर हुआ है वो आप पंचर बनवाएं और तुरंत ही अपना वही वाला टायर लगाएं। ये भी शायद एक रीजन हो सकता है। अब तीसरे रीजन की बात कर लेता हूँ। तीसरा रीजन है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि टायर रोटेशन ताकि ठीक से हो सके, क्योंकि अगर आपने स्पेयर व्हील्स लगाया और स्पेयर व्हील्स आप चला रहे हैं लगातार तो आपका जो टायर पंचर हुआ है वो आप बनवा भी लेंगे तो आपका रखा रहेगा स्टेपनी के तौर पे तो उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो इससे हमारा टायर रोटेशन जो है गड़बड़ा जाएगा क्योंकि हमारा जो स्पेयर व्हील है वो घिसने लगेगा और जो हमारा नॉर्मल जो टायर चल रहा होता है वो बच जाएगा। तो ये दिक्कत होती है। और अगर आपको टायर रोटेशन के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप बता देना, मैं टायर रोटेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे ये वीडियो मेरी केवल इसीलिए है ताकि हम स्पेयर व्हील्स के बारे में पता कर सकें। तो अगर आपके गाड़ी में स्पेयर व्हील छोटा दिया हुआ है तो देख लीजिए, अगर नहीं देखा अभी तक तो आप देख लीजिएगा, शायद छोटा दिया हुआ हो। मेरी गाड़ी में ऑल्टो के टेन में सेम साइज का है। तो ये कुछ रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से आपको कंपनियां जो है टायर जो है थोड़ा छोटा देती हैं एक
और जो हमारे नॉर्मल चार टायर होते हैं उनसे थोड़ा छोटा देती है 1 इंच। ऐसा सभी गाड़ियों में या सभी कंपनियां नहीं करती हैं, सभी कंपनियां लगभग कुछ कंपनियां बराबर भी देती हैं, बस केवल यही एक कमी करती हैं कंपनियां, जैसे कि अलॉय व्हील्स देती हैं तो स्टील रिम दे देती हैं स्पेयर व्हील्स में, बस इतना कर सकती हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।